इस एग्जाम्पल में पूरी बातें डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27 का पार्ट 2 है कि एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है। आपको SFT नहीं भूलना है। SFT मतलब सेकंड फंडामेंटल ऑफ थ्योरम। जब आप f(b - f)a करते हो ना, देखो ध्यान से बच्चों, जब आप क्या करते हो, ये इसका इंटीग्रेशन कितना आता था, f(x) आता था, और हम लिमिट लगाते थे फ्रॉम a टू b। फिर जब आप इसको लिखते हो बच्चों, जब आप लिमिट अप्लाई करते हो ना f(b - f)a निकालते हो, तो आपको लिखना है इससे पहले क्या लिखना है, बाय सेकंड फंडामेंटल ऑफ थ्योरम, क्योंकि ये सेकंड फंडामेंटल ऑफ थ्योरम से किया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू NCERT। अब बच्चों देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन हमारे पास क्या है, f(x), ये पूरा आपका फंक्शन है क्या, √x/30 - x^3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस फंक्शन में खास बातें ध्यान से सुनिएगा बच्चों। पहली बात तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, आप चेक भी कर सकते हो, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आप पढ़ चुके हो। ये क्लोज इंटरवल 4 to 9, ये बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है। ज़्यादातर तो जो भी फंक्शन एग्जाम में दिए रहेंगे वो कॉन्टिन्यूस ही होंगे और वेल डिफाइंड होंगे विद इन द लिमिट। वो तो इस्तेफाक की बात होती है, कभी कभी डिफाइंड नहीं होते हैं। वैसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जल्दी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी यहाँ पर, और अगर हम देखें तो ये वेल डिफाइंड भी है, वेल डिफाइंड भी है, मतलब आप समझ रहे हो ना, अगर हम 4 से 9 के बीच में कुछ भी रखें यहाँ पर x की वैल्यू, 4 से 9 क्लोज इंटरवल में इंक्लूडिंग 4 और 9 भी अगर हम रखें, तो ये कभी भी नॉट डिफाइंड या कॉम्प्लेक्स टाइप का नहीं आएगा, जैसा भी हमने डिस्कस किया था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, ऑफ f(x). अब f(x) का बच्चों एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, मतलब अभी कोई लिमिट विमिट मत लगाओ। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, तो जैसे आप पहले करते थे ना इंटीग्रेशन, वैसे ही आप इसको कर लीजिए, और इंटीग्रेशन तो आप पढ़ के आ ही गए हो, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसमें क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं ये जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है हमारे पास, अभी देखिए कोई लिमिट नहीं लगाई बच्चों, एंटी डेरिवेटिव निकाल लो बस मैं सिंपली। ठीक है, तो लेट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे, 30 - x^3/2 को अगर हम t अज्यूम कर लें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 30 का हो जाएगा 0, माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा, और 3/2 आ जाएगा आगे, और x^3/2 में से 1 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, और यहाँ आ जाएगा t का डेरिवेटिव dt/dx। ये सब तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों -3/2 × x^3/2 - 1, कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि x^1/2, और x^1/2 क्या होता है, √x होता है, और dx को इधर ले आओ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ से √x dx की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा, ध्यान से करो बच्चों, ये उधर जाएगा, पहले -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, -dt = 3/2 हो जाएगा। अरे इसको उधर भेज दो यार, तुम समझ रहे हो क्या करना है, इतना सब पढ़ा चुके हैं, तो सिंपली ये माइनस भी उधर शिफ्ट हो जाएगा, और 3/2 का क्या हो जाएगा 2/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो जब हमने इसको ऐसा लिख दिया बच्चों, तो हमारा जो इंटीग्रल था ये वाला, ये चेंज हो गया, √x dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2/3 dt। तो -2/3 तो आ जाएगा आपका कहाँ, इंटीग्रेशन के बाहर। ठीक है, -2/3 तो इंटीग्रल के बाहर आ गया, ओके, और dt और डिवाइडेड बाय 30 - x^3/2 को आपने t अज्यूम किया, और इसका होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ, t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट तो करना आता है, क्या हो जाएगा, -2/3 तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, और 1/t² का इंटीग्रेशन, 1/t² का मतलब क्या होता है, 1/t² का मतलब क्या होता है, t^-2, इसका मतलब हमको इंटीग्रल करना है किसका, t^-2 का t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा -2/3। इंटीग्रेशन इसका करो, कैसे करते हो, इसकी पावर में 1 ऐड कर दोगे, और जो आ जाएगा उसी से डिवाइड कर दोगे, और कोई सी वी नहीं लगाएंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो -2/3 इन द ब्रैकेट, अब t^-1 हो जाएगा यहाँ, अपॉन में -1, तो माइनस को हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा -, क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2/3, और t^-1, तो इसको आप लिख सकते हो 2/3 × 1/t, क्योंकि t^-1 को 1/t भी लिखा जा सकता है, 2 × 2 अपॉन में t। अब t क्या था, उसको रखने से क्या हो गया, प्लस हो गया 2/3, और ये हो जाएगा 2/3, और t^-1 को आप 1/t भी लिख सकते हो, तो ये हो गया आपका क्या, 2 × 1 2/3 × t 3t। तो 2/3 और t आपने क्या सब्सटीट्यूट किया था, अपनी कॉपी उठा के देखिए, 30 t क्या था, 30 - x^3/2, इसी को आपने t रखा था, तो t की जगह वापस से हम क्या रख देंगे, 30 - x^t की जगह, ये 3 × t है ना, तो t की जगह 30 - x^3/2 रख दिया। अब ये जो आया बच्चों एंटी डेरिवेटिव किसका, स्मॉल f(x), मतलब इस फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव है, इसको हम लोग कैपिटल f(x) से दिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग व्हाट,
लिखना एग्जाम में पूरा पूरा SFT मत लिख देना, पूरा पूरा लिखना इंग्लिश में सेकंड SECOND सेकंड फंडामेंटल थ्योरम द अप्लाइंग सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। क्या कहता है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, कि अगर आपको f(x) का स्मॉल f(x) का अगर इंटीग्रल करना है विद इन द लिमिट a to b, तो ये होता है आपका f(b - f)a। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन करना होगा हमको 4 to 9, और स्मॉल f(x) ये है पूरा, यानी कि √x/30 − x^3/2 2, तो ये हो जाएगा f(b - f)a, f(b) b की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट f(a) क्या है ये, और f(x) आपका ये है, तो आप साइड में जाइए और f(9) निकाल लीजिए, कैपिटल f(9) कैसे निकलेगा बताओ इस फंक्शन, भाई चेक करो ना f(x) कितना है आपका, ये आया है क्या आया बोलो 2y 3 इन द ब्रैकेट 30 − x^3/2। सॉल्व करिए f(x) की क्या रखेंगे, f(9) निकाल रहे हैं ना अपर लिमिट, तो f(9) जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 9 रख दो, तो 2/3 इन द ब्रैकेट 30 − x^3/2 की क्या रखोगे 9 रखोगे, तो क्या हो जाएगा 9^3/2। अब 9^3/2 क्या होता है बोलो, 9^3/2 9 को क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर, अब ये 2 से 2 कट जाएगा बिकॉज 3/2 × 2 भाई पावर मल्टीप्लाई होगी ना, 3/2 × 2 2 से 2 कैंसिल, 9^3 क्या जाएगा 3, और 9^3 क्या होता है 27, तो ये आ गया आपके पास क्या 27, तो ये आ गया 2/3 और 30 − 27 3, तो 2/9 आ गया ये 2/9, तो f(9) कितना आ गया 2/9। आप अलग से भी ऐसे करके दिखा सकते हो, आप इसी के नीचे f(9) को भी निकाल के ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं क्या f(4), ओके तो f(4) इज इक्वल्स टू इस फंक्शन में, मतलब जो एंटी डेरिवेटिव कैपिटल f(x) आया है इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 रख दो, तो 2/3 इन द ब्रैकेट 30 − x^4, तो 4^3/2, अब 4^3/2 क्या होता है 4^3/2, 4 की जगह क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर, तो पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 2 से 2 कटेगा 2^3, 2^3 क्या हो जाता है 8, तो ये हो गया 2/30 − 8 = 22, तो 3 ये बाहर वाला 3 × 22 2 1 ज़ा और ये 11 ज़ा 1/3 × 33 3 × 11 = 33, तो आ जाता −1/33, ओके। और मेरे ख्याल से बच्चों ये आ जाएगा आपका 9 और 33 का एलसीएम, मेरे ख्याल से तो 99 आएगा, आप चेक कर लेना 99 को डिवाइड करेंगे किससे, 9 से 11 आएगा, 11 × 2 = 22, और माइनस 99 को डिवाइड करेंगे 33 से 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 22 − 3 कितना होता है 19 होता है, 19/99, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जो आया है ये आया क्या है बताओ, अगर मैं पूछूँ ये आंसर है तो क्या आप बोलोगे सर इस फंक्शन का इंटीग्रल है विद इन द लिमिट्स 4 to 9, हाँ भाई ये क्या बता रहा है, तो जवाब है इस फंक्शन का कोई कर्व होता होगा, होता होगा हमें क्या पता, इस फंक्शन का कोई कर्व होता होगा, ये y = f(x) है, और इसका जो ग्राफ होता होगा, इसका जो कर्व होता होगा विद इन द लिमिट 4 to 9, 4 इधर आता है मान लो, 9 इधर आता है, ये x एक्सिस है, तो 4 और 9 के बीच में मतलब एरिया आ रहा है 19/99 क्या आ रहा है, एरिया बाउंडेड बाय व्हाट, बाउंडेड बाय y = f(x), x = 4, x = 9 एंड बाय द x एक्सिस, ये चीज़ निकल के ये आई है। बहरहाल यहाँ पर कोई ऐसा एरिया वाला क्वेश्चन था नहीं, तो स्क्वायर यूनिट्स वगैरह हमने नहीं लिखा, बट ये मीनिंग इसका यही है, ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप कर लीजिए।